में से काफी सारे लोग यूपीएससी एग्जाम या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। ऐसे में अगर आपका एक बार एग्जाम फेल हो जाता है तो आप ये तो डिमोटिवेट होके तो नहीं बैठ जाते कि भाई हाय मेरा एग्जाम फेल हो गया, मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैं क्या करूँगा। आप फिर से ट्राई करते हो ना, पढ़ते रहते हो ना कि एक दिन ज़रूर क्लियर होगा। तो ऐसा ही हाल हमारे वैज्ञानिकों के साथ हो रहा है आजकल। एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक ऐसी ही बुरी खबर निकल कर आई है भारत से। दरअसल उड़ीसा के तट पर भारत करने वाला था अपने बेहद खास मिसाइल की टेस्टिंग, लेकिन टेस्टिंग के टाइम एक ऐसी चीज हुई जिसे साइंटिस्टों ने कभी नहीं चाहा था। आपको बता दें ये मिसाइल ब्रह्मोस है जिसकी डिमांड इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत बढ़ती चली जा रही है। ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन की टेस्टिंग की गई उड़ीसा के तट पर। ब्रह्मोस के लिए भारत के आगे इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ से काफी डिमांड आ रही है और जल्द से जल्द वो ब्रह्मोस को खरीदना भी चाहते हैं। खास तौर पे एक्सटेंडेड वर्जन पर उनकी नजर और भी ज्यादा है। दोस्तों कुछ ऐसा हो गया है जो अब तक कभी नहीं हुआ था, कम से कम ब्रह्मोस के साथ तो दरअसल कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। सोमवार के लिए उड़ीसा के तट पर एक नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस था 400 किलोमीटर के एरिया के लिए जहां नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था और इस जगह टेस्टिंग होनी थी ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन की, जिसे सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता था। दोस्तों सारा प्लान सेटअप हो गया था उड़ीसा के तट पर और 400 किलोमीटर के एरिया में तैयारी की गई थी इसके एक्सपेरिमेंट के लिए। वैसे ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसे चीन और पाकिस्तान की चीखें निकलती हैं और ब्रह्मोस के इस एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन का भारतीय सेना बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इसकी टेस्टिंग कर रही थी। लेकिन ऐसा दोस्तों पहले कभी नहीं हुआ। ब्रह्मोस के परीक्षण के समय ही परेशानी खड़ी हो गई। इस बार ब्रह्मोस अपने परीक्षण से फेल हो गया। जैसे ही मिसाइल ने टेक ऑफ किया उसके तुरंत बाद ही ये गिर गया। वैसे इस मिसाइल के स्ट्राइक करने की कैपेसिटी 450 किलोमीटर की है। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माना ये जा रहा है कि ये किसी ग्लिंच की वजह से हुआ है। हालांकि डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने ये कहा है कि अभी हम जांच कर रहे हैं आखिर क्यों हुआ, आखिर क्या एग्जैक्ट कारण है इसके फेल होने का, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, खास तौर पर ब्रह्मोस के मामले में। ब्रह्मोस इतना रिलायबल है कि इसके फेल होने की चांसेस बहुत कम होते हैं, खास तौर पर टेस्टिंग के टाइम पर। वैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का पहले यूज किया जाता था, पहले वाले वर्जन 300 किलोमीटर रेंज वाले हैं, लेकिन अब इसकी रेंज और इसकी स्पीड को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। वैसे दोस्तों एक्सपेरिमेंट का मतलब ही यही होता है कि या तो एक्सपेरिमेंट जो है वो पास होगा या वो फेल हो जाएगा। तो हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से ही तो हमें पता लगता है कि हमारी क्या मिस्टेक हुई जो ये ऐसा हो गया। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें उसकी कमी मिलेगी तो हम उस कमी को ठीक करेंगे दोबारा बनाते टाइम, और वो जब ठीक हो जाएगी तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वही हुआ है, बस हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, अभी वो जांच कर रहे हैं कि इसमें क्या असल में प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ये मिसाइल टेक ऑफ करते ही जो है वो गिर गई। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।